हाय गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे पांडा से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है गिवन द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट। अच्छा, दो मेरे पास ये सीरीज है जिनका नाम है S1 और एक दूसरे का नाम है S2। तो इनकी ये रिस्पेक्टिव इंडेक्सेज हैं, तो जो भी LHS पार्ट होता है उसको हम इंडेक्स कहते हैं, एंड जो RHS साइड में होता है ये उसकी वैल्यूज होती है। तो ये इंडेक्स मेरे जो भी है ना, ये सारे मेरे कस्टमाइज हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देख लो 0, 1, 2, 3 गायब, क्योंकि ये मैंने कस्टमाइज इंडेक्सिंग इनमें दी हुई है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ S1 प्लस S2। तो सिंपल ही तो है, मुझे एडिशन ही तो करना है S1 और S2 को लेके। लेकिन इसमें एक कैच पॉइंट ये है कि जहां पे भी मुझे मिसिंग होंगे ना इंडेक्सेस, वहां पे मैं एडिशन नहीं करूंगा। जैसे देखो 0 और 0 दोनों में है ना, तो ये एडिशन होके आ जाएगा, क्या हो जाएगा 15, तो 15 मेरा आ रहा है। नेक्स्ट 1 और 1 दोनों जगह है नहीं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 के केस में नैन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नैन इसलिए आएगा इसमें क्योंकि 1 एक जगह है लेकिन दूसरी जगह नहीं है, ठीक है। S2 में नहीं है ना, ऐसी 2 दोनों जगह है, यस, तो एडिशन पॉसिबल है जो कि आपको दे देगा 16। तो ये देखो 2 पे 16 आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे अब हम बढ़ते हैं। वो कह रहा है S1 माइनस S2 कर दो। S1 में से मैंने S2 को घटाना है, तो कैसे घटाऊंगा? तो देखो 3 में से मैं 12 डिडक्ट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? -9, यही तो होगा। तो इसलिए मेरी वैल्यू सारी माइनस में आ जाएगी क्योंकि मेरा S2 बड़ी वैल्यूज कंटेन कर रहा है। लेकिन नैन के केस में क्यों आ रहा है मेरा 1 पे नैन? वही ना, क्योंकि यहाँ पे 1 तो है नहीं, ठीक है। तो 1 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मेरा कुछ आ जाए? तो कुछ है ही नहीं, तो नैन आ जाएगा, इसलिए 1 के केस में भी नैन आ रहा है। ऐसी 2 के केस में -4 क्यों आया? 2 के केस में -4 इसलिए आया क्योंकि मैं करूंगा 6 में से 10 माइनस, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? -4। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।